Hello student, today I am going to solve construction of quadrilateral, class 8 math, new math times. Construction of quadrilateral, what is quadrilateral? A closed figure having four sides are called quadrilaterals. So, यहाँ पर हम देखते हैं, ए क्वाड्रिलेटरल कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स, फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड टू डायगोनल्स. एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है 10 एलिमेंट्स आते हैं, फोर साइड्स हो गए, फोर एंगल्स हो गए और टू डायगोनल्स. ए यूनिक क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव एलिमेंट्स. तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसके लिए जो है फाइव स्पेसिफिक जो है एलिमेंट्स चाहिए. वो जो है आपका फोर साइड एंड एन एंगल, एस 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 ए, यानी फोर साइड, साइड 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 एक वन एंगल. दूसरा है थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल, साइड एंगल साइड एंगल साइड. थर्ड है टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स, एस एस यानी साइड साइड एंगल एंगल एंगल. फोर है फोर साइड्स एंड वन डायगोनल, यानी फोर साइड दिया हो और एक डायगोनल हो तब भी हम एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फाइव है कि थ्री साइड्स हो और टू डायगोनल्स हो, यानी साइड साइड यानी थ्री साइड्स और टू डायगोनल्स हो, तो इस पर भी हम जो है एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रा कर सकते हैं. अभी हम 14.1 में जो है इसको इसको और इसको को हम सॉल्व करेंगे, यानी फोर साइड्स एंड वन एंगल का यूज करके कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल, थ्री साइड्स और टू इंक्लूडेड एंगल का यूज करके हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल, टू एडजेसेंट साइड्स और थ्री एंगल्स को लेकर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी 14.1 में हम तीनों का यूज करके हम क्वाड्रिलेटरल को बनाएंगे. तो उसको जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल व्हेन फोर साइड्स एंड एन एंगल आर गिवन. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार एग्जांपल, कोई भी एंगल बनाने से पहले जो है हम पहले ये देख पढ़ने के बाद हम एक जो है रफ डायग्राम बनाते हैं. जैसे यहाँ दिया है कि ए बी 5.6 सेंटीमीटर, बी सी 3.8, सी डी 4.6 सेंटीमीटर एंड ए डी 5.1 एंड एंगल डी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो डी पर 100 सेंटीमीटर का है, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं डी पर ही एंगल बनाना है, तो हमको सी डी बराबर 4.6 सेंटीमीटर का पहले हमने एक ऐसे रफ बना लिया, ये 4.6 है और उस पर जो है हमको 100 डिग्री का अंदाज से हमने 90 डिग्री से ऊपर का एक खींच लिया और उसके बाद ए डी, तो डी से ए की भी दूरी दिया होगा डी ए 5. यहाँ पर ले लिया और फिर ए से ए बी की दूरी दिया है 5.6 सेंटीमीटर और बी सी जो है 3.8 सेंटीमीटर. इस तरह से एक अंदाज हमने बना लिया और उसके बेस पर जो हम पेयर ऑफ कंपास हमको चाहिए, पेयर ऑफ कंपास चाहिए, स्केल चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, पेंसिल और रबड़ चाहिए इसके लिए. ठीक है, जो भी हमको कंस्ट्रक्शन करना है इस पूरे लेसन में हमको इसकी नीड है, तो ये आपके पास होनी चाहिए. तो अभी हम सीधे जो है एग्जाम्पल को न करके अब सीधे हम चलते हैं एक्सरसाइज 14.1 पर. तो 14.1 में क्वेश्चन दिया पहला, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर और डी इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी 120 सेंटीमीटर, यानी बी पर एंगल है तो ए बी इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर का पहले हम जो है एंगल हम ड्रा कर लेते हैं. पहले एक लाइन खींचते हैं, सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर वन है, चूंकि बी पर एंगल है 120 डिग्री तो हम जो है ए बी इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर का जो है ड्रा करते हैं, 4.1 सेंटीमीटर का ऐसे रखेंगे स्केल को सीधे और स्टार्टिंग कहाँ से है और 4.1 कहाँ पर है इसको ऐसे पॉइंट लगा लेंगे, उसके बाद एक लाइन हम यहाँ पर ड्रा कर लेंगे. ठीक है, यह हो जाएगा ये ए बी,
यह है ए बी है 4.1 सेंटीमीटर। हमें लग रहा है कि कलर की वजह से दिखाई नहीं दे रहा क्या, 4.1 सेंटीमीटर ठीक है। अब इस पर जो है बी पर हमको जो है कितने डिग्री के एंगल बनाना, 120 डिग्री का, तो सीधे रफ न बनाकर हम डायरेक्ट इस पर बना रहे हैं। अब चूंकि यहां पर बनाना है बी पॉइंट पर, तो बी पर हम जो इस पॉइंट पर रखेंगे लाइन को मैच कर लेंगे सीधी एक ने, और उसके बाद इधर से करते हुए हम आएंगे 120 डिग्री का ठीक है। तो 100 यह आप 100 हो गया, 10 हो गया, 120 यानी यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर एक बी से मिलाते हुए एक रेस ड्रा कर लेंगे, इसकी कोई मतलब माप नहीं है, यह रेज कोई भी हमने करे जो है बी एक्स मान लिया, इसको ले लिया है ठीक है। यह डार्क दिखाई दे इसलिए हमने पेन से चला रहा हूँ, और उसमें जो है अब हम लोग देखते हैं ए बी पर जो है बी सी पॉइंट पर जो है बी बी सी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर को काटना है, यानी ए है बी यहाँ पर है। अब हमको बी सी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, तो 3.6 या देखिए 3 है या 5 है 6, 3.6 पर लेकर हम एक ऐसे ले लिया, और यहाँ पर 20 पर यहाँ पर सेंटर में रखकर एक आर्क लगा दिया। तो यहाँ पर हो गया सी और ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर ठीक है। अब आते हैं बी सी हो गया, अब सी डी, सी से यहाँ पर जो सी पर पॉइंट कटा हुआ है यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है सी डी को 6.1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे, तो ये है 6.1 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 6, ये हो गया 1, 6.1 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर रखकर सी पॉइंट पर रखकर एक आर्क हम एक लगा देते हैं लंबा सा ठीक है सी डी, और फिर डी ए 5.1 सेंटीमीटर। तो डी ए पॉइंट तो हमारे पास है, डी पॉइंट यहाँ पर जब कट होगा तो बनेगा, और डी ए इक्वल टू है 5.1 सेंटीमीटर, तो 5.15 यहाँ पर है, उससे एक पॉइंट और आगे ले लेंगे, पॉइंट को रख लेंगे प्रकार का, और फिर इसको सेट करेंगे 0 पास है ठीक है। और यहाँ पर ए को सेंटर में रखकर डी ए जहाँ पर क्रॉस करेगा ये जो पॉइंट हमारा होगा, क्योंकि ऐसा कलर है पेज का कि आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका डी, ये आपका यही है। अब हम ज्वाइन करेंगे डी ए और सी डी या डी सी को कह लीजिए ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। सी डी की जो माप है वो 6.1 सेंटीमीटर, और ये जो है 5.1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एंगल जो हमारा बना 120 का। तो इस तरह हमारा एक कंस्ट्रक्शन हो गया क्वाड्रिलेटरल का, और लिखने का तरीका यही है। फर्स्ट ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर एंड बी एस सेंटर ड्राई एंगल 120 सेंटीमीटर बी एक्स एंड एस बी एस सेंटर बी सी इक्वल टू 3.7 रेडियस BC इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड कट आर्क ऑन पॉइंट C। अगेन CS सेंटर
take a radius CD is equal to 6.1 cm and draw an arc. Again, A as a center and radius equal to 5.1 cm, draw another arc which cut on previous arc at point D. Join DA and DC. So, इस प्रकार से जो हमारा ए बी सी डी जो है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। यह स्टेप आपको लिखना है, आप चाहें तो बुक से आप हेल्प ले लेंगे। जैसे आप बना रहे हैं उसी तरह आप जो है ड्रा करते जाएंगे, ठीक है। तो या तो इसको हम लिख दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग खुद लिखिएगा। फर्स्ट हमने क्या किया जो है ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। सेकेंड हमने क्या किया बी एस ए सेंटर मेक 120 डिग्री एंगल ड्राई लाइन बी एक्स। थर्ड आप लिखेंगे बी एस ए सेंटर एस सेंटर या पॉइंट मानेंगे सेंटर एंड रेडियस बी सी इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। ड्रा एन आर्क कट एट पॉइंट सी। फोर्थ में हम लिखेंगे सी एस अ पॉइंट या सेंटर एंड रेडियस सी डी इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर। ड्रा ए आर्क, ठीक है। फाइव, अब हमने फाइव में क्या किया ए को सेंटर मानकर ए एस सेंटर इसको सेंटर मानकर रेडियस सेंटर एंड रेडियस हम लेंगे रेडियस डी ए इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। ड्रा अनदर आर्क विच कट ऑन एट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी। ज्वाइन डी ए एंड डी सी, ए डी और सी डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया। सो रिक्वायर्ड जो है क्वाड्रिलेटरल, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल रोल क्या बना ए बी सी डी तो आप हर बार ये हम नहीं लिखेंगे। अब यह स्टेप जैसे आप बना रहे हैं इसी तरह का आप जो है स्टेप लिखते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 4.3 सेंटीमीटर, आर एस 5.1 सेंटीमीटर, एस पी 4.6 सेंटीमीटर एंड एंगल एस पी क्यू 80 सेंटीमीटर। तो पी पर एंगल है तो हम देखते हैं पी क्यू 60 सेंटीमीटर। तो पी क्यू पहले हम खींचते हैं, एक ड्रा करेंगे लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि पी क्यू पर एक एंगल बना हुआ है। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 साइड्स हैं और एक एंगल है, तो हम इससे हम ड्रा करेंगे। पहले हम जो है
अगर इसका रफ डायग्राम की बात करें तो रफ डायग्राम भी आप बना सकते हैं या तो डायरेक्ट हम इसे बनाते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जो है PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हम ड्रा करते हैं। PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यानी यहाँ पे एक पॉइंट हो गया 6 सेंटीमीटर है एक यहाँ पर हमने एक लाइन खींच लिया PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यह हो गया PQ 6 सेंटीमीटर। अब इस पर क्या करना है P पर हमें 80 डिग्री का एंगल बनाना है ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आई एम गोइंग टू मेक अ एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो जिस पर बनाना है इस पॉइंट पर हम इस पॉइंट को रखेंगे लाइन स्ट्रेट होना चाहिए इस लाइन और ये लाइन इस लाइन से मैच करना चाहिए ओवर सॉरी। अब चूंकि हमारा इधर है तो काउंट इधर शुरू करेंगे और हमारा 80 डिग्री आ रहा है यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर हम आ गए तो यहीं से मैच करके मिला लेते हैं एक लाइन हम भी एक लाइन खींच ले रहे हैं इसकी कोई माप नहीं है और इसको हम एक्स मान लेंगे पी एक्स और यहाँ पर एंगल बन गया हमारा 80 डिग्री का। अब जो है नेक्स्ट कर रहा है पी एक्स हो गया पी क्यू हो गया क्यू क्यू आर दिया है क्यू आर वायर 4.3 सेंटीमीटर क्यू आर से हम खींच लेंगे ठीक है। फिर क्यू आर आर एस है तो एस पी तो एस पी यानी एस पी पर 4.6 सेंटीमीटर का हम इस पर हम एक रेखा ड्रा करते हैं तो हमको पी पॉइंट मिल जाएगा एस पॉइंट मिल जाएगा। तो पी एस 4.6 पी एस 4.6 ले लेते हैं 4 है 5 है 4.6 तो यहाँ पर 5 के बाद 1.6 आएगा और यहाँ पर हमने 4 लगा दिया 4.6 के लिए पी को ऐसे सेंटर मानकर जो है आर्क लगा दिए ठीक है। अब ये आर्क जो है इसको पता नहीं चल रहा होगा तो ये यस ये पॉइंट एस हो गया 4.6 सेंटीमीटर का पी एस हमने कर लिया। अब पहले यहाँ पर क्या करते हैं इसके बाद जो है हम क्यू आर क्यू पॉइंट पर रख कर हम क्यू आर 4.3 सेंटीमीटर लेते हैं 4.3 सेंटीमीटर 4.3 4 यहाँ हो गया 1 2 3 4.3 पर रखकर हमने क्यू पर रखकर हमने एक आर्क लगा लेंगे कोई भी ऐसे लंबा सा ठीक है। अब ये हो गया अब ये जो एस से जो देखेंगे ये हो गया यस सॉरी यहाँ पर कोई हाँ यहाँ पर है ना। तो अब हम जो है क्यू आर हो गया क्यू से आर तक हमने आर्क लगा दिया और आर एस एस यानी एस आर एस या एस आर से 5.1 लिखेंगे 5 यहाँ पर हो गया 1 यहाँ पर हो गया 5.1 हमने ले लिया ठीक है। अब यहाँ से एस आर से 5.1 दे दिया यानी यहाँ पर रखकर और हमने एक आर्क लगा दिया यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर कट कर दिया यहाँ पर हमारा आर्क लग गया और ये पहले का आर्क था यहाँ पर कट किया ये जो है पी क्यू आर और ये एस ही हो गया तो हमने अब इसको ज्वाइन कर लिया इसको यहाँ से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ठीक है। तो ये हमारा जो है एस आर या आर एस जो है 5.1 सेंटीमीटर का है क्यू आर 4.3 सेंटीमीटर का। अब ये हमारा जो है क्वाड्रिलेटर बनकर तैयार हो गया। लिखने के सेम प्रोसेस होगा ड्राई लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर
पी एस ए सेंटर मेक 80 डिग्री एंगल एंड ड्रा स्ट्रेट लाइन पी एक्स एंड पी एस ए सेंटर रेडियस 4.6 सेंटीमीटर ड्राई आर्क ऑन आर्क कट ऑन पी एक्स एट पॉइंट एस। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर क्यू के सेंटर मानकर हमने रेडियस लिया क्यू आर इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर ड्राई एन आर्क अगेन एस एस ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर ड्राई एन अनदर आर्क विच कट ऑन प्रीवियस आर्क एट पॉइंट आर ज्वाइन एस आर एंड आर क्यू। सो माई क्वाड्रिलेटरल इज पी क्यू आर एस। क्वेश्चन नंबर यह टू था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इन विच ई एफ 4.5 सेंटीमीटर एफ जी 4.5 सेंटीमीटर जी एच 5.2 सेंटीमीटर एच ई 4.9 सेंटीमीटर एंड एंगल एफ जी एच 105 सेंटीमीटर। और जी पर है एंगल, तो जी वाली लाइन यानी ये जी के ऊपर जो एंगल बना है 105, तो सबसे पहले एफ जी 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करेंगे। एफ जी 4.5 सेंटीमीटर का, लाइन को सीधा करने के बाद 4.5 है ना, तो ये हो गया हमारा 4 एफ जी। सेंटीमीटर का एफ जी हमने एक लाइन ड्रा कर लिया। अब जी के ऊपर जो है हमारा जो है एंगल बनना है 105 डिग्री का, तो जी के ऊपर हमने पॉइंट रखना है प्रोटेक्टर को, लाइन सीधी होनी चाहिए, पॉइंट के ऊपर पॉइंट हो और उसके बाद 105 का एंगल हम बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया 90, 110 और 110 के बीच में 105 है, हमने लगा लिया। और यहाँ से एक लाइन कोई भी, इसकी कोई माप नहीं है, हमने एक रेख ले लिया है, एक्स हमने मान लिया है कितने, तो ये हमारा 105 डिग्री का एंगल बना दिया इस पर। नाउ द नेक्स्ट एफ जी हमारा हो गया, उस पर हो गया तो एफ जी, तो एफ जी और जी एफ जी एच एफ जी एच जी के बाद एच आता है, तो जी एच इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर का जो है प्रोटेक्टर मिलेंगे रेडियस 5.2। तो 5 यह हो गया 1, 2 पर इसको रखेंगे और 5 पर जाएंगे 5.2। ठीक है, और G को सेंटर मानकर एक हमने आर्क लगा दिया। ठीक है, और ये जो है F E F G H G H है ना, G H, और ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर का हमने एक ले लिया। अब देखते हैं कौन सा हो सकता है, जी एच हो गया, एच ई, ठीक है एच ई, तो एच ई जो है 4.9 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यहाँ को सेंटर मानकर 4.9, 4 यह हो गया, 5 यह हो गया, 6, 7, 8, 9 यानी 4.9, हमने पहले ही से 9 पर पॉइंट को रख दिया लास्ट वाले को, और यहाँ पर अब 1 को मिलाया 0, 4.9 रख कर एच को सेंटर मानकर एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, हमें लग रहा है कि एरिया बढ़ गया गलती से, 4.9 अगेन हाथ से दब के बढ़ गया,
ये वाला हमारा आर्क है, ठीक है। अब इस पर जो है हम एच ई हमने लगाया है। अब ई एफ पॉइंट हमारा एफ यहाँ पर है, ई एफ यानी ई एफ सी 4.5 सेंटीमीटर लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लेकर एफ को सेंटर मानकर एक आर्क लगा दिया जो ये हो गया ई। तो अब हम ज्वाइन कर दिए ई को एफ से और फिर इस ई को एच से। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वाड्रिलेटर बन गया। तो एच ई 4.9 और एफ ई या ई एफ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखने के स्टेप्स वही हैं। फर्स्ट वी ड्रा ए लाइन सेगमेंट एफ जी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, जी एस ए सेंटर, ड्रा ए मेक अ एंगल ऑफ 105 सेंटीमीटर एंड ड्रा ए स्ट्रेट लाइन जी एक्स। G as a center and radius 5.2 centimeter, draw another arc which cut on GX at point H. H again, H.